करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं कि वेब पेज के अंदर हम कितने प्रकार से लिस्टिंग कर सकते हैं, मतलब लिस्ट बना सकते हैं। जी हम HTML की कोडिंग सीख रहे हैं और HTML की कोडिंग करते हुए किस प्रकार से हम एक वेब पेज के अंदर लिस्ट डिफाइन कर सकते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब लिस्ट अगर हम बात करें HTML में, तो मुख्य रूप से HTML के अंदर हम तीन प्रकार से लिस्ट बना पाते हैं। एक होती है अनऑर्डर्ड, जिसमें हम बुलेट्स का प्रयोग करते हैं, जो बिंदु की चीजें हमें दिखती हैं। दूसरी होती है ऑर्डर्ड, जिसमें नंबरिंग होती है 1, 2, 3, 4 या फिर रोमन्स में होती है या फिर अल्फाबेट्स में होती है। और तीसरी होती है डिक्लेयर्ड लिस्ट। तीनों को समझते हैं कि किस प्रकार से इनकी कोडिंग करेंगे और किस प्रकार से इन्हें हम रन करते हैं। ठीक है, अभी स्क्रीन पे आप एक कोड देख पा रहे हैं, एक HTML पेज का कोड है। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट हुआ HTML टैग से। ठीक है, HTML टैग से हमारा ये पेज स्टार्ट होता है। फिर हेड, हेड के बाद हमने टाइटल में दिया है वो टाइप्स ऑफ लिस्ट, जो हमारा वहाँ पे टाइटल शो होगा वेब पेज का। हेड क्लोज, हेड के बाद बॉडी ओपन हुई है और बॉडी में हमने यहाँ पर बी टैग के अंदर एक हेडिंग दी हुई है, जिसको हमने बोल्ड किया हुआ है। सॉरी, हेडिंग नहीं दी है, एक टैग से हमारा जो इस पेज का हमारा टाइटल होने वाला है, टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML, तो उसको हमने बोल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है UL। ठीक, UL डिफाइन कर रहा है अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है, ये जो टैग हमने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है UL, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, एल आई से जो है हमने इसके अलग अलग जो है वैल्यूज दी हुई है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, सेकेंड लास्ट क्लास में टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया था, TR से हमने रो बनाया था, और टेबल डेटा के लेने के लिए हम TD का प्रयोग कर रहे थे, TH का प्रयोग कर रहे थे। इसी प्रकार से UL से हमने डिफाइन तो कर दिया कि आने वाली चीज एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के एलिमेंट को लेने के लिए हम यहाँ पर LI का प्रयोग करते हैं। LI फिर /LI से हम उसे क्लोज करते हैं, और उसके बीच में उस टॉपिक या उस पैराग्राफ की एंट्री होती है जिसे हमें वहां पे शो करना है। सबसे पहले काम करते हैं, हम इसे Ctrl+S की सहायता से सेव करके, और चूंकि हम पैटर्न वापस से एक बार देख लें, हम इसे सेव किस प्रकार से करते हैं, चूंकि हमें HTML में बनाना है इसलिए हम यहाँ पे सेव एज टाइप यहाँ पे हम इसका चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं। ठीक है, किस नाम से हमें सेव करना है? लिस्ट। ठीक है, UL कर देते हैं हम, क्योंकि ये अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको डॉट लगा के लिख देते हैं HTML। ठीक है, हमने पहले भी सीखा है कि हम जब भी कोई वेब पेज बनाते हैं नोटपैड में, तो उसको सेव करते समय .html जो है उसके पीछे हम यूज करते हैं, ताकि उससे क्या हो, वो जो हमारा पेज सेव हो रहा है वो एक HTML फॉर्मेट में सेव हो। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, और ये हमारा वेब पेज यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अब सेव हो चुका है। अब इसे हम रन करके देखते हैं। हमने इस पर डबल क्लिक किया और ये हमारा वेब पेज रन हो गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक यहां पर एक हमें लिस्ट दिख रही है, जो जिसके आगे बुलेट्स लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, इस लिस्ट के अंदर बुलेट्स का प्रयोग हुआ है। ये जो ब्लैक कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स को हम बुलेट कहते हैं। तो यहां पर हमने सीखा है कि एक लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाती है। चलिए एक एलिमेंट इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट हम और ऐड कर देते हैं। और एलिमेंट ऐड करने के लिए जो है, हम यहाँ पे वापस से एक टैग लेते हैं, LI वाला हमारा। ठीक है, हम इसके अंदर एक और जो है एक फ्रूट नेम ऐड करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया पाया। ठीक है, और यहाँ पर /LI। ठीक, Ctrl+S की सहायता से हम इसे सेव करते हैं, और पुनः इस वेब पेज को हम रन करके देखते हैं इसका प्रभाव। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर वो एक चीज और ऐड हो गई है, जो आपने लिस्ट में वहां पे ऐड की हुई है। ठीक है, ये जो लिस्ट का हमारा प्रकार था, ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, जहां पर यहाँ पे नंबरिंग नहीं है, लिस्ट तो है लेकिन इसकी नंबरिंग नहीं है, इसके कितने एलिमेंट है उसकी जानकारी नहीं, वो सिर्फ वहां पर हमको ये चीज दिख रही है, ये क्लियरिफाई हो रहा है कि वहां पर एक लिस्ट है। ठीक है, अब हम बात करें कि इस लिस्ट को यदि हमें ऑर्डर्ड बनाना, ऑर्डर्ड मतलब हम इसको एक सीक्वेंस में लेना चाहें, एक ऑर्डर फॉर्म में लेना चाहें, जैसे 1, 2, 3 ABC, इस फॉर्मेट में यदि हमें लेना है लिस्ट को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम देखते हैं कोट्स के फॉर्मेट में। हम अब हम बनाते हैं इसके अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी जो हमारे पास है वो कैसी, एक कौन सी लिस्ट है, वो है एक
अनऑर्डर्ड लिस्ट और हम अब बनाना चाहते हैं एक ऑर्डर लिस्ट, इसी में हम ले लेते हैं एक ऑर्डर लिस्ट ताकि चीजें आपको क्लियर हो सके। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास बुलेट्स थे, कोई नंबरिंग नहीं था, अब हम बनाने वाले हैं एक ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम चाहते हैं कुछ नंबरिंग हो। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए जो टैग है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो है ओएल। ठीक, ओएल से हम टैग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ओएल के बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे ओएल लिया हुआ है और ओएल जो डिफाइन कर रहा है ऑर्डर लिस्ट को, और इसका एलिमेंट लिखने के लिए एल आई। ठीक, एल आई के अंदर हम एक दे देते हैं यहाँ पे डॉग। ठीक, एल आई क्लोज, क्योंकि हमारा एक एलिमेंट यहाँ पे एंटर हो चुका है तो एल आई को हमने क्लोज कर दिया। सेकेंड एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, फिर से एल आई स्टार्ट, यहाँ पे ले लेते हैं कैट, ये हमने ले लिया सेकंड एलिमेंट हमारा, और सेकंड एलिमेंट लेने के बाद फिर से हम एलआई क्लोज कर देते हैं। थर्ड एलिमेंट लेते हैं हम इसके अंदर, एलिमेंट लेने के लिए फिर से हमने एलआई यूज किया। ठीक है, हमने डॉग ले लिया, कैट ले लिया, हम यहां पर एक ले लेते हैं हैन। हमने इसे भी क्लोज कर दिया एलआई को। यहां पर हमारे पास कुछ एंट्रीज हो गई हैं, हम कंट्रोल एस की सहायता से इसे सेव करते हैं, और सेव करके अब इसे देखते हैं। एक सेकंड, बस इसको सेव किया उसके पहले हम एक चीज करना भूल गए, हमें यहाँ पे ओएल को क्लोज भी करना है, तो हमने यहाँ पे ओएल को क्लोज कर दिया। चलिए ठीक है, अब इसे हम कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर लेते हैं। ठीक, और अब हम जाकर इसे रन करते हैं, इस वेब पेज को जो हमने अभी बनाया था, ये हमारे पास ये वेब पेज है। अब हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक बार रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए नीचे जो हमने ऑर्डर लिस्ट ली थी वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रही है, ये 1, 2, 3 के फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, वापस चलते हैं हमारे कोडिंग के ऊपर, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं छोटी सी ताकि डिफाइन करे और काफी समझ में आए हमको इजीली कि हमने क्या किया। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, एक ऑर्डर लिस्ट, एक हमने यहाँ पे हेडिंग दे दी जिससे क्लियर हो कि यहाँ पे नीचे आने वाली चीज क्या है, हमारी एक ऑर्डर लिस्ट है। चलिए ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये तो हमने क्या देखा कि एक ऑर्डर लिस्ट है ना, यहाँ पे नंबरिंग हमारे पास आ गई है। ठीक है, और ये हमने हेडिंग भी दे दी बीच में। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये नंबरिंग है ये 1, 2, 3 ना हो करके ये क्या हो, ये किसी दूसरे फॉर्मेट में। ठीक है, पहली चीज तो हमने एक ऑर्डर लिस्ट ली हुई है जो 1, 2, 3 के फॉर्मेट में, हम चाहते हैं इसका पैटर्न थोड़ा सा बदल जाए। ठीक है, पैटर्न बदल जाए डेट मीन्स कि ये जो वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो वैल्यू क्या हो जाए, थोड़ी चेंज हो जाए, वो दूसरी वैल्यू आए, ये 1, 2, 3 ना आकर के रोमन में आ जाए, अल्फाबेट्स में आ जाए, कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम नंबरिंग करने के लिए अब इसके अंदर कुछ फंक्शन अप्लाई करने वाले हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम ये जो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाई हुई है, इस ऑर्डर लिस्ट के लिए थोड़े से कुछ चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा और इसको इफेक्टिव बनाते हैं। अभी हमने क्या किया हुआ है, नंबरिंग जो ली हुई है उस नंबरिंग को चेंज कर रहे हैं, और अब हम इसमें क्या चाहते हैं, इसका जो पैटर्न है वो हम कुछ यहाँ पे बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो यूज करना है जो एट्रीब्यूट है उसका टाइप, और टाइप के अंदर इक्वल में हमने ले लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए। ठीक है, और इसको हम करते हैं कंट्रोल एस से, और इसको हम रन करके देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। अब हम यहाँ पर इसको एक फॉर्मेट दे चुके हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जैसे हमने पेज को रिफ्रेश किया, ये स्मॉल अल्फाबेट्स के क्रम में ये अरेंज हो गया है, यहाँ पे ए बी सी के फॉर्मेट में ये आ चुका है। ठीक है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है। पहले हमने एक नॉर्मल ऑर्डर लिस्ट थी जिसके अंदर नॉर्मल वो 1, 2, 3, 4, 5 की नंबरिंग थी। अब हमने क्या किया है, उसका टाइप प्रदान कर दिया, एक सीक्वेंस प्रदान कर दिया अपनी तरफ से, एक फॉर्मेटिंग उसको दे दी है, वहां पर वो उस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है। चलिए आइए कुछ और ट्राई करते हैं इसके लिए कि और हम क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो आपने देख लिया, आपने क्या दिया था, उसको ए दिया था तो वो ऑटोमेटिकली ए बी सी डी के क्रम में वो आ गया। आप इसको कैपिटल अल्फाबेट्स के क्रम में भी ले सकते हैं, तो हम इसको कैपिटल ए ले लेते हैं। फिर से कंट्रोल एस, हम इसे सेव करते हैं, और वापिस हम जा करके हमारे वेब पेज पे देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट हुआ। तो यहां पर आप देखिए ये इसका फॉर्मेट फिर से चेंज हुआ, जो आपने उसको टाइप प्रदान किया था उस टाइप में, उस सीक्वेंस में ये यहां पर अरेंज हो गया। इसके अलावा और भी पैटर्न्स हैं हमारे पास, और भी हम क्या इसके ऊपर और भी किस प्रकार की फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए, हम यहां पे ले रहे हैं कैपिटल आई। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, कैपिटल आई का प्रयोग किया है हमने।
हम चाहते हैं कि ये रोमन्स के फॉर्म में चेंज हो जाए। देखिए उसका क्या इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोमन जो हमारी काउंटिंग्स होती है, जो नंबर्स होते हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, 1, 2, 3 के फॉर्मेट में यहाँ पे ये अरेंज हो चुका है जो हमने लिस्ट बनाई थी। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि हम अलग अलग जो इसके टाइप्स हैं, जो नंबरिंग का जो प्रकार है, वो भी हम यहाँ पर बदल के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने कुल 2 प्रकार देखे हैं लिस्ट बनाने के। पहला जो हमने देखा था वो अनऑर्डर लिस्ट था, दूसरा जो था वो ऑर्डर्ड लिस्ट था। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है, उसमें भी हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स का प्रयोग किया, अलग अलग जो उसके नंबरिंग के तरीके हैं उनको प्रयोग किया, और देखा कि हमारी टेबल और कितने टाइप से हम उसको लिस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने स्मॉल अल्फाबेट्स देखे हैं, 1, 2, 3 का क्रम देखा है, कैपिटल अल्फाबेट्स का क्रम देखा है, और यहाँ पर हमने रोमन्स की काउंटिंग भी देखी है जो हम यहाँ पे हमारे लिस्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा तीसरा प्रकार होता है लिस्ट बनाने का, जो तीसरे प्रकार की हम बात कर रहे हैं, जहां हमारा लिस्ट जो तीसरे प्रकार का लिस्ट है वो है डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव या फिर डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, एक वैल्यू डिफाइन कर देते हैं पहले से। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो लिस्ट है वो 50 तक कंप्लीट हो गया, 51 से करना चाहते हैं, या 100 कंप्लीट हो चुका है, 101 से स्टार्ट करना चाहते हैं, या बीच में किसी नंबर से, मान लीजिए 26 से स्टार्ट करना हो, 177 से स्टार्ट करना हो, तो यहाँ पर जब आपके पास फिक्स पोजीशन जो है आगे से कहीं हो, इनिशियल 1, 2, 3 से स्टार्ट ना हो करके वो किसी दूसरे नंबर से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, तो ऐसी लिस्ट हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो अलग से हम वहां पे वैल्यू असाइन कर देते हैं उसको, जहां पर वो ऑर्डर लिस्ट तो है लेकिन वो 1 से स्टार्ट ना होकर के किसी दूसरी पोजिशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, आइए हम उसको करके देखते हैं, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अभी हमने जो लिस्ट बनाई थी वो ऑर्डर लिस्ट थी, और उसके विभिन्न हमने पैटर्न्स देखे कि हम उसको नंबरिंग में कैसे कर सकते हैं, रोमन्स में कैसे कर सकते हैं, अल्फाबेट्स कैपिटल्स और स्मॉल्स में कैसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पे एक जो है उसकी पोजिशन दे देते हैं, जिस पोजिशन से हमारी वो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए कि मुझे जो मेरी लिस्ट है वो मुझे स्टार्ट करनी है कहां से, वो 8th पोजीशन से स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैंने जो एट्रीब्यूट लिया है उसका नाम भी यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है, स्टार्ट एट्रीब्यूट इक्वल का साइन, और मैं लिस्ट को कहां से 8th से स्टार्ट करना चाहता हूं, नंबर 8 पोजीशन, मतलब मेरे पास जो 3 एलिमेंट्स थे वो कहां चले जाए, 8, 9, 10 हो जाए, है? तो 8 से स्टार्ट होनी चाहिए मेरी लिस्ट। ठीक है, हम इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। जब भी हम अपनी फाइल में कुछ एडिट करते हैं तो हमें कंट्रोल एस से उसे सेव करना होता है, और उसके बाद हम अपने वेब पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। अभी हमने इसे लिस्ट को जो है स्टार्ट कर दिया 8 से, और रिफ्रेश करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो चेंजेस आ गए हैं। मतलब अब यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है उसके लिए आपने डिफाइन कर दिया कि आपकी लिस्ट कहाँ से किस नंबर से स्टार्ट होगी। इनिशियली जब हमने टाइप लिया था तो वहां पे 1, 2, 3 जो हमने ऑर्डर लिए थे, या जनरली हमने ऑर्डर लिस्ट लिया तो वो 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमने टाइप्स में जाकर के उसके पैटर्न दिए थे अलग अलग, उन अलग अलग पैटर्न्स में हमारी लिस्ट वहां पे प्रिंट हुई थी। यहां पर क्या हुआ, हमने स्टार्ट एट्रीब्यूट का प्रयोग किया है, और इस स्टार्ट एट्रीब्यूट ने हमें क्या बेनिफिट दिया हुआ है कि हम जो लिस्ट है हमारी उसको एक पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हमने यहाँ पे आज जो सीखा है वो क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर जो लिस्टिंग होती है वो बुलेट्स के फॉर्मेट में, जो डॉट्स आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। उसके बाद हमने सीखा ऑर्डर लिस्ट, फिर हमने सीखा ऑर्डर लिस्ट के क्या टाइप होते हैं, किन किन टाइप्स में हम उसे चेंज कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि उसको जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है उसको हम एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हमने हमारी लिस्टिंग वाला जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट रहता है, प्रैक्टिकल लर्निंग होते या कोई एरर आ रही है, तो आप बाकायदा हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।